आज की इस वीडियो में मैं तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को देख के इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है तो बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, अगर दो संख्याएं रही होंगी तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ देख के इसका आंसर बता सकते हैं कैसे। ठीक है, अगर ये बड़ी संख्या पूछी है, ठीक है, तो करना क्या, आप इसमें एक जोड़ करके इसका आधा कर लेंगे, आपको क्या जाएगा आंसर है। ठीक है, मैंने वो क्या बताया, अगर ये बड़ी संख्या पूछे तो करना क्या, इसमें एक जोड़ के, इसमें क्या करना आपको, एक जोड़ करके इसका आधा कर लेंगे, आपको बड़ी संख्या पता चले। तो यहाँ से जोड़ी कितना मिलेगी, तो 38 38 मिल जाएगा। अब करना कि इसका आधा कर लीजिए, तो दो एक कम दो, दोनों 18, अर्थात कह सकते हैं कि उनमें बड़ी संख्या कितना आ गई, 19 आ गई। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगर उन्हें छोटी संख्या पूछे तो क्या करेंगे, छोटी संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें से एक घटाना पड़ेगा, इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, एक घटाना पड़ेगा। अगर 37 में से एक घटा करके इसका आधा कर लेंगे, आपको छोटी संख्या पता चलेगी। यहाँ से घटाएं कितने, 36 मिल जाएगा, और 36 का आधा कितना हो जाएगी, 18 हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं उनमें छोटी संख्या आपकी ये आ गई और बड़ी संख्या आपकी ये आ गई। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है, तो करना क्या आपको, इसमें एक जोड़ करके इसका आधा कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा आंसर है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है तो बड़ी संख्या क्या है, आपको ये बताना। ठीक है, इस बार देखिए क्या क्रमागत कैसी सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको दे दिया, तो पूछा क्या, बड़ी संख्या आपको पूछा है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए, बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसमें इसमें 4 जोड़ करके इसमें 4 से भाग दे, आपको क्या जाएगा आंसर। मैंने क्या बताया, 100 में क्या करना पड़ेगा आपको, 4 जोड़ना पड़ेगा, 104 हो गया। अब इसका क्या कर लेंगे, 4 से फिर भाग दे देंगे, इसमें 4 जोड़ करके और इसमें 4 से भाग दे देंगे, आपको बड़ी संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ से 4 दुना 8 हो गया और 2 इधर गया, 4 छक 24 हो गया, अर्थात बड़ी संख्या आपकी कितना आएगी, 26 आ गई। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि छोटी संख्या क्या होगी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें से 4 घटाना पड़ेगा, इसमें से 4 घटा करके क्या करना पड़ेगा आपको, छोटी संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से 4 घटा करके 4 से भाग देना। अगर 4 घटाएं कितने मिले, 96 मिले। अब इसमें 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 दुना 8 हो गया और 4 चौको 16 हो गया। ठीक है, अब संख्या आपको पता चले, ये छोटी इतनी है और उनमें बड़ी संख्या इतनी है। ठीक है, अगर आप अपने प्रूफ के लिए करना चाहते हैं तो 26 का स्क्वायर कर लीजिएगा और इसका स्क्वायर कर लिए, यहाँ से वर्गों का अंतर जो भी स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर करने के बाद जो भी स्क्वायर मिलेगा अंतर कर लीजिएगा, अंतर करेंगे तो आपको अंतर कितना मिलेगा, 100 को मिलेगा। मैंने आपको क्या बताया, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 26 का स्क्वायर करिए तो जो भी संख्या मिलेगी, फिर 24 का स्क्वायर करिए जो भी संख्या मिलेगी, करना कि इन दोनों का अंतर कर लेंगे, अंतर कितने की मिलेगा आपको, 100 का मिलेगा, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये बड़ी संख्या पूछे तो इसमें 4 जोड़ करके आप इसमें 4 से भाग दे, आप क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सॉरी देखिए इसका कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है तो बीच वाली मिस मध्य वाली संख्या क्या है, आपको ये बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख के भी आंसर बता सकते हैं, कैसे मैं आपको तरीका बता। यहाँ पे देखिए कितनी संख्याओं का ये योग है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग, कितनी संख्याओं का योग है, ये 3 संख्याओं का। जैसे आप इसमें 3 से भाग देंगे तो आपको मध्य वाली संख्या पता चलेगी, तो यहाँ से भाग दिए, 3 दुना 6 और 2 इधर गया, 3 9 27, अर्थात मध्य वाली संख्या आपको पता चलेगी। 3 संख्या रहेगी तो एक इसके आगे संख्या रहेगी और एक इसके पीछे रहेगी, आपको ये क्या गया, मध्य वाली संख्या पूछा है तो आपको ये क्या गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन से मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो क्या करेंगे आप, तो 29 के बाद क्या आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, तब आपका आंसर ये आता है। अगर इनमें ये पूछा जाए कि छोटी संख्या क्या होगी, तो 29 से पहले क्या आएगा, 28 आ जाएगा, तब आपका आंसर ये आता है। लेकिन बड़ी संख्या, सॉरी मध्य वाली संख्या पूछा है तो इससे इसमें भाग दे दीजिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे
बड़ी संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना, इतना है। संख्याएं कैसी, विषम संख्या, और इनका योग आपको दे दिया है। तो पूछा कि उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना। तो पांच संख्याओं का योग है, तो अगर इसमें पांच से आप भाग देंगे तो मध्य वाली संख्या पता चल जाएगी, मध्य वाली संख्या आपको पता चल जाएगी। तो दो इसके आगे संख्याएं रहेंगे और दो इसके पीछे रहेंगे, यही ना, दो इसके पीछे। तो इनमें पूछा सबसे बड़ी संख्या, लेकिन संख्याएं कैसी है, सभी विषम संख्याएं। तो इसके बाद कौन सा विषम संख्या, इसके बाद कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और इसके बाद कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो उनमें सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगर ये पूछा जाए कि इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इससे पहले विषम संख्या कितना, 9 आ जाएगी, और इससे पहले कितना आ जाएगी, 7 आ जाएगी, तब आपका आंसर ये आता है। लेकिन बड़ी संख्या पूछा है तो आपका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, दो संख्याओं का योग 40 तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है, अगर ये बड़ी संख्या पूछा है तो करना क्या, योग और अंतर दोनों को जोड़िए, इसको और इसको जोड़ के आधा कर लेंगे तो आपको बड़ी संख्या पता चलेगी। इसको जोड़िए कितने में, 46 मिल जाएगा, 46 का आधा कर लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपको पता चलेगा, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी, 23 होगी। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि उनमें छोटी संख्या क्या होगी, तो क्या करेंगे आप, इन दोनों का क्या करना, अंतर करके, क्या करना है, इन दोनों का अंतर करके आधा कर लेंगे, आपको छोटी संख्या पता चलेगी। इसका और इसका अंतर करके कितना मिलेगा, 24 का मिलेगा, 24 का आधा कर लेंगे तो क्या पता चले आपको, छोटी संख्या पता चले, यानी ये क्या पता चली, छोटी संख्या आपको पता चले, और ये क्या आपकी बड़ी संख्या। मैंने आपको क्या बताया, अगर ये बड़ी संख्या पूछे तो दोनों को ऐड करके इसका आधा कर लेंगे तो आपको बड़ी संख्या पता चले, अगर दोनों के घटा के आधा कर लेंगे तो आपको क्या पता चले, छोटी संख्या पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, दो संख्याओं का योग 36 तथा इनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है। तो मैंने भी आपको ऊपर क्या बताया, छोटी संख्या जब भी पूछे तो इन दोनों को घटा के इसका आधा कर लेंगे, आपको छोटी संख्या पता चले। तो इसका और इसका अंतर कितना मिलेगा, 24 का मिलेगा, 24 का आधा कर ले कितना, ये 12 हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, 12, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, आपको ये बताना, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, आप सिर्फ देख के इसका आंसर बताएंगे आज के बाद, ठीक है। यहां से दिया क्या है, योग दिया है, और ये क्या दिया है, योग कितना है, 11 है, और इनका गुणनफल कितना यहां से है, 18 है। तो पूछा कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो करना क्या, आपको सिर्फ इसके बीच में बटा लगा दिए, आप ये क्या गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए कौन सा मैच कर 11/18, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया, इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देख के इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, जो भी योग दिया है और गुणनफल दिया है तो इसके और इसके बीच में बटा लगा दीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो डिटेल देखा जाए, मैं आपको डिटेल बता दूं, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है, एग्जाम आप ऐसे लगाएंगे। अगर मैं मान लूं दो संख्या रहेंगे, पहली संख्या होगी और दूसरी संख्या, तो कौन सी दो संख्या ली जाए कि जिनको जोड़ा जाए तो उनका योग कितने मिल जाए, 11 मिल जाए, और जब आपस में गुणा किया तो 18 मिल जाए। तो मैं देखो, अगर पहली संख्या 9 ले लूं और दूसरी संख्या 2 ले लूं, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 मिल जाएगा, और इन दोनों का गुणनफल किया तो 18 मिल जाएगा। इस बात को ये फॉलो करेंगे नहीं करें, तो पूछा कि इन संख्याओं का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम करेंगे कितना, 1/9 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, यहां से इसका व्युत्क्रम कितना, 1/2 हो जाएगा। अब इनका योग पूछा तो यहां से जोड़ लीजिए दोनों को, अगर यहां से दोनों को जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम कितना जाएगा, तो 9/2 आ जाएगा, 9/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका गुणा इधर करें 2 हो जाएगा, इसका गुणा इधर करें 9 हो जाएगा, 9 2 ऊपर कितना, 11 हो गया। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 11/2 कितना, ये 18 हो गया, तब भी आपका आंसर यही है, और तब भी आपका आंसर यही है। तो आप क्या करें, ऐसे ना सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व करेंगे, इसके और इसके बीच में बटा लगा दें, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, आपको ये बताना, ठीक है। पीछे वाले में योग दिया था और गुणनफल दिया था,
लेकिन इसमें क्या दिया, अंतर दिया और गुणनफल दिया, सेम प्रोसेस वही लगेगा। इनके व्युत्क्रमों का क्या पूछा, अंतर पूछा है ना, तो करना क्या आपको यहाँ से 5/36 यानी इनके बीच में बटा लगा देंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है 5/36, तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, करना क्या, अगर कोई संख्या रही होगी, मैं मान लो अगर ये कोई संख्या रही होगी, ठीक है, जब इसको 56 से भाग दिया जा रहा है तो नीचे कितना शेष बच रहा है, ये 29 आपका ये शेष बच रहा है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर उसी संख्या को क्या किया, उसी संख्या को 8 से भाग दिया तो कितना शेष बचेगा, आपको इसमें ये बताना कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ डायरेक्ट करने का। ठीक है, करना क्या, इससे आप इसमें डायरेक्ट ही भाग, उस संख्या में भाग देने की बजाय जो शेष बच रहा है आप इससे क्या करें, इसमें भाग दें। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, तो 29 में क्या करना, आपको 8 से भाग देना, तो 8 × 3 = 24, तो बचेगा कितना, यहाँ से 5 आपका क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। कितना शेष बच जाए आपका, 5 आपका शेष बच जाएगा। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इस संख्या के वर्ग, अब संख्या क्या कह रहे हैं, वर्ग को अगर 5 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा, आपको इसमें ये बताना। तो आपको करना है क्या, उस संख्या का वर्ग करने की बजाय आप करिए क्या, इस शेषफल का ही वर्ग कर लीजिए, इस शेषफल का ही क्या कर लिए, वर्ग कर लिए। अगर इसका वर्ग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। अब करना है कि इससे इसमें आप भाग दे दीजिए, 9 में 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 × 5 हो गया, और क्या कितना शेष बचेगा यहाँ से, आपका 4 आपका यहाँ से शेष बच जाएगा। तो देखिए कौन सा इसमें मैच कर रहा है, 4, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।